बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम देखने वाले दोस्त साथ खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस वक्त मैं अपडेट देने के लिए मौजूद हूँ मुजाहिद कॉलोनी गुजर नाले की साइड पर। यह कौसर न्याजी से आगे का एरिया पड़ता है। अल्लाह अकबर, बताया भी नहीं था इन लोगों ने। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से मैं आपको अपडेट दूंगा। आज 7 नवंबर 2021 और इस वक्त सुबह के 11:30 बजे हैं और आज इतवार के दिन भी वर्किंग जारी है। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको यहाँ के मनाज़िर आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर बदरिया लेबर हाथों से काम किया जा रहा है और आगे की तरफ मशीन भी है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है, तो फिर उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे और वहाँ की सूरत हाल देखेंगे। गुजर नाले पर इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है वो तेज़ी के साथ जारी है और इतवार के दिन भी इस पॉइंट पर काम हो रहा है। मैं इस तरफ आया था किसी काम से, लेकिन जब मैंने देखा यहाँ वर्किंग हो रही है तो मैंने कहा आपको अपडेट भी दे दी जाए। अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मशीन के ज़रिए जो है एक मकान को डिमोलिश किया जा रहा है और ये प्रीकास्ट पर बना हुआ मकान था। ऊपर की छत इसकी टीन की चादरों की थी, नीचे जो है प्रीकास्ट है पोर्शन और इसको कटिंग में आया है तो इसको तोड़ा जा रहा है। पीछे की तरफ हो जाए, एकदम ही आ जाएगी, एकदम ही। तो आपने देखा किस तरीके से एकदम पंजे से दीवार नीचे की तरफ आ गई। इसीलिए जहाँ पर कम कटिंग होती है वहाँ बदरिया लेबर किया जाता है, क्योंकि मशीन जो है फिर वो उसी चीज़ों को भी डैमेज कर सकती है, और जहाँ पर ज़्यादा मकान की कटिंग है वहाँ मशीन के ज़रिए काम लिया जाता है। अंदर गली में रोकने के लिए खड़ा है ना? हाँ, खड़े में है ना? हाँ।
अब आप ये देख रहे हैं कि लोगों ने जहाँ जहाँ कटिंग उनकी होनी थी वहाँ से पहले जो है अपनी दीवार नहीं खड़ी कर ली है और फ्रंट की दीवार टूट गई थी। यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत भी जो छोटी मोटी कटिंग है उसको कर रहे हैं। तो ये की छोटी सी अपडेट थी मुजाहिद कॉलोनी गुजर नाले से। तो यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।